और खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर 2024 की चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ है इंडिया अलायंस, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर शुरू हुआ बैठकों का दौर। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ होगी कांग्रेस की बैठक, केजरीवाल की जगह आतिशी और सौरभ शामिल होंगे, जहां पर सीट शेयरिंग संयोजक पर अभी तक फैसला नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इंडी गठबंधन की अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर बैठक है और केजरीवाल की जगह पर आतिशी और सौरभ शामिल होंगे, जहां पर आज हो सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर इस दौरान बातचीत की जाए और सीट शेयरिंग संयोजक पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर 2024 के चुनाव को लेकर एक्टिव हुआ है इंडी गठबंधन और बात की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर शुरू हुआ है बैठकों का दौर। इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि इसकी अगर बात की जाए आज की, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ होगी कांग्रेस की बैठक और इस बैठक में केजरीवाल की जगह पर आतिशी और सौरभ शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान हो सकता है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा, और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीट शेयरिंग संयोजक पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष तिवारी मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात की जाए तो आज बैठक होनी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, खास करके बात अगर की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर इसमें चर्चा होने वाली, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि करीब 2 दिनों से इस तरीके की बैठक चल रही है और इंडिया अलायंस की ओर से ये बैठक बुलाई गई है और सीट शेयरिंग और खासतौर पर संयोजक पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इसको लेकर तमाम जो इंडिया अलायंस के सहयोगी दल हैं उनसे कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है और आज भी जो जानकारी मिल रही है करीब 12 बजे के आसपास एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ये बैठक होने वाली है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में नहीं होंगे, बल्कि प्रतिनिधि के तौर पे जो आतिशी मरलिना है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही जो सौरभ भारद्वाज है उनकी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब खासतौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिली थी और जिस तरीके से अलका लांबा ने ये कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 7 सीट पर दिल्ली में तैयारी कर रही है, उसके बाद हालांकि सफाई भी इस दौरान देनी पड़ी थी और किसी तरीके से इस पूरे गठबंधन को एकजुट किस तरीके से रखा जाए इसको लेकर चर्चाएं चल रही है और आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर आज कोई फैसला नहीं होगा या आज कोई इस बैठक में चर्चा नहीं होगी। दिल्ली के अलावा जितने भी राज्य जहां पे आम आदमी पार्टी सक्रिय है, खासतौर पे पंजाब की अगर हम बात करें, वहां को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। तो निश्चित रूप से आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की बुलाई गई है और इसमें तमाम नेता जो है उनकी मौजूदगी रहेगी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम नेताओं की इसमें मौजूदगी रहेगी और एक एक कर तमाम अलग अलग पार्टियों के साथ जो इंडिया अलायंस के सहयोगी दल है उनके साथ ये बैठक हो रही है और एक समन्वय बनाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।